दोस्तों कंटेंट अगर पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और मेरे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें इसके लिए बेल आइकन दबाने के बाद ऑल पे जरूर क्लिक कर देना। तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? मैं विवेक सिंह और दोस्तों टेक्नाइजर के एक और वीडियो में आपका स्वागत है। अमेज़न के ऊपर Xiaomi का फ्लैगशिप डेज करके एक सेल चालू हो गया और अगर आपका बजट 18,000 के आसपास का है, आपके पास पुराना स्मार्टफोन एक्सचेंज करने के लिए है और आपको एक स्मार्टफोन चाहिए जिसमें आपको एमोलेड का पैनल, स्नैपड्रैगन 778G का चिपसेट, काफी कॉम्पैक्ट और लाइट वेट स्मार्टफोन चाहिए, तो आप देख सकते हो Mi 11 Lite NE 5G की तरफ। क्या ऑफर है उसी के ऊपर डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। आपको ये 18,000 के आसपास, 18,250 समझ लो ऐसे मिल जाएगा सारे ऑफर्स लगा के। वैसे इसके ऊपर ICICI के कार्ड का और प्रीपेड वाला भी ऑफ है, लेकिन ICICI का मैक्स डिस्काउंट 2,500 के आसपास है, प्रीपेड वाला 2,000 का है एंड उन दोनों के लिए मिनिमम कार्ड वैल्यू जो है वो 24,000 के आसपास होनी चाहिए, तो ऑब्वियसली उस पर एक्सचेंज वाला ऑफर आपको नहीं मिल पाएगा, ठीक है, क्योंकि 25,000 का स्मार्टफोन एक्सचेंज करोगे तो 20,000 के नीचे चला जाएगा, तो वो वाले ऑफर को हम लोग रखते हैं साइड में। बाकी कुछ ऑफर्स हैं जिसके लिए आपके पास सिटी बैंक का क्रेडिट कार्ड अगर हो और अगर आप EMI भी ले रहे हो, डेबिट कार्ड भी होगा तो भी 250 रुपये कम ऑफर मिलेगा, लेकिन क्रेडिट कार्ड वाला रहेगा तो ये आपको 18,250 रुपये तक मिल जाएगा। कैसे? 27,000 का फोन फिलहाल सेल में आपको 25,000 रुपये मिल रहा है, तो 2,000 का वहाँ पे डिस्काउंट हो गया सबसे बड़ी बात, ठीक है। इसके ऊपर जैसे मैंने कहा कि 4,000 का एक्सचेंज ऑफर है, तो आप कोई पुराना स्मार्टफोन एक्सचेंज कर रहे हो तो आपके स्मार्टफोन का प्राइस अगर 5,000 रुपये मान लो पुराने का, तो आपको 9,000 कम हो जाएगा, यानी 4,000 रुपये एक्स्ट्रा माइनस हो जाएगा, तो 2,000 वैसे डिस्काउंट, 4,000 आपको एक्सचेंज का डिस्काउंट बचा, 21,000 रुपये। अब आपके पास अगर सिटी बैंक का क्रेडिट कार्ड है तो इसके ऊपर 1,750 रुपये का डिस्काउंट है, अगर EMI पे लेते हो तो 1,750 करो माइनस, तो हो जाता है 19,250 रुपये और सिटी बैंक के ही कार्ड पे एक्स्ट्रा एडिशनल ऑफर 1,000 रुपये का है, तो वो भी 1,000 आपको मिलेगा, तो इसका हो जाएगा 18,250 रुपये। 18,250 में काफी तगड़ा ऑफर है, लेकिन इसके लिए आपको एक्सचेंज के लिए एक स्मार्टफोन होना चाहिए और सिटी बैंक का क्रेडिट कार्ड होना चाहिए EMI के लिए, तो आपको उस प्राइस में मिल जाएगा। मेरे हिसाब से अच्छी डील है, देखना चाहते हो इसको देख सकते हो क्या मिलता है उस प्राइस में। सबसे पहली बात तो एक कॉम्पैक्ट स्मार्टफोन, 6.55 इंच का डिस्प्ले, बहुत सारे लोग बोलते हैं छोटा डिस्प्ले वाला स्मार्टफोन चाहिए पंच होल के साथ, देख सकते हो काफी लाइट वेट है, सबसे लाइट वेट मैं कहूंगा, सिर्फ 158 ग्राम्स का है, 6.8 mm का है, तो वो तगड़ी बात है, अच्छी चीज है, तो मतलब अच्छा स्मार्टफोन है। रियर साइड पे ट्रिपल कैमरा है, पंच होल है, देखने में भी अच्छा लगता है। चलिए, स्नैपड्रैगन 778G काफी अच्छा चिपसेट है, आराम से चल जाएगा, सारे काम कर लोगे, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, अच्छी तरह ऑप्टिमाइज भी है, तो ज्यादा इश्यूज नहीं आएंगे आपको। MIUI 12 के ऊपर आया था, 12.5 के ऊपर, अब 13 का अपडेट आ चुका है, वो भी अच्छी चीज है, थोड़े से ब्लूटूथ से डिलीट कर पाओगे। कैमरा आपको इसमें 64 मेगापिक्सल का मिलता है ट्रिपल वाला, 64+8+5 मेगापिक्सल, फ्रंट में आपको 20 मेगापिक्सल का सेंसर मिलता है, 18,000 के हिसाब से अच्छे कैमरा से। बैटरी थोड़ा सा डिसअपॉइंट हो सकते हो, 4,200 mAh के आसपास की बैटरी है, लेकिन कॉम्पैक्ट स्मार्टफोन है तो बैटरी कम रहेगी। 33 वाट का फास्ट चार्जर है, एक डिसेंट सा बैटरी एंड डिसेंट सा फास्ट चार्जर आपको मिल जाता है टाइप सी के पोर्ट के साथ। हाँ, सेंसर्स में आपको 3.5 mm जैक नहीं मिलता है, चीज याद रखना, लेकिन बाकी सारी चीजें अच्छी है, स्टीरियो स्पीकर्स है, साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर है, फेस अनलॉक है एंड जितने भी बाकी सेंसर्स होते हैं सारे सेंसर्स मिल जाते हैं, सेंसर्स में कोई कमी नहीं रखी गई है। हाइब्रिड का स्लॉट है, यानी 2 SIM कार्ड लगाओ या फिर 1 SIM कार्ड एक SD कार्ड, आपके ऊपर चॉइस है, तीनों नहीं लगा पाओगे। 6GB 128GB बेस वेरियंट है, 27,000 का है, सेल में 25,000 में आया हुआ है एंड इसके ऊपर 4,000 का एक्सचेंज का ऑफर और 2,750 का सिटी बैंक के क्रेडिट कार्ड पे अगर आप EMI लेते हो तो उसके ऊपर ऑफर है। ओवरऑल 18,250 के आसपास आ जाता है, मेरे हिसाब से डील अच्छी है, देखना चाहते हो इस सेल में देख सकते हो। चलिए लोग यानी जरूर बता देना कैसा लगा ऑफर, ये भी बता देना, पसंद आया कमेंट शेयर कर देना, नहीं पसंद आया डिसलाइक कर देना, मुझे बता देना क्यों पसंद है, और भी बहुत सारे वीडियो भी चेक कर सकते हो और मुझे सपोर्ट कर सकते हो, साइड में देखो वेक्टर में जिसके ऊपर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नया करने के साथ, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद।